शाम को 6 बजे के आसपास हमें एक फ़ोन आया कि लवकुश अपार्टमेंट जो है वहाँ पर एक फ्लैट में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। तो SSP सर को इन्फॉर्म किया गया और उनके आदेश अनुसार एक रेडिंग टीम का गठन हुआ और उनके आदेश अनुसार हम वहाँ पर छापा मारने चले गए लवकुश अपार्टमेंट में। वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर 3 लड़कियाँ थी और 3 लड़के थे जो बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति में मौजूद थे। इनके साथ वहाँ पर 2 अधेड़ उम्र की भी महिलाएँ थीं। अब जब हम वहाँ पर पहुँचे, जैसे उन्होंने पुलिस को देखा तो वो जो 3 लड़कियाँ थीं जिनके साथ गलत काम हो रहा था वे चिल्लाने लगी और हमसे मदद मांगने लगी। उनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में उन्होंने बताया कि जो 2 महिलाएं हैं उनमें से एक का नाम सुमन देवी है और दूसरी का नाम सिफानी देवी था, तो ये दोनों जो है इनसे गलत काम करवाती थी। वहाँ पर मौजूद 3 लड़के भी थे, उनमें से एक का नाम था अंकित कुमार, दूसरे का नाम था धनंजय गिरी और तीसरे का नाम था गुड्डू कुरेशी। इनमें से जो मेन मुख्यतः आरोपी है वो है अंकित कुमार। अंकित कुमार जो है इन लड़कियों के लिए क्लाइंटेन लेकर के आता था। फिलहाल इन विक्टिम्स के बारे में बताओ तो उनमें से एक विक्टिम जो है वो बिहार शरीफ की रहने वाली थी। वहाँ से एक मूनलाइट होटल नाम के क्लब में वो काम करती थी, डांस करती थी बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में एक्सेट्रा पे। तो वहाँ पर उसकी जान पहचान एक बबीता देवी नामक महिला से हुई जिसने बताया कि अगर आप और पैसे कमाने चाहते हो और अगर आप और डांस वगैरह में इंटरेस्टेड हो तो वो उनको इंड्यूस करने के नाम पर जो है डांस के नाम पर इंड्यूस किया उन्होंने और उनको एक रात को नशीला पदार्थ खिला करके उनसे गलत काम करवाया और उस वीडियो को उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब उस वीडियो के बनाम पर वो सारा टाइम इसको ब्लैकमेल करती रही कि अगर ये गलत काम नहीं करेगी या भागने की कोशिश करेगी या कुछ भी करेगी तो जो है वो उस वीडियो को वायरल कर देगी। डर के मारे ये लड़की जो है वहाँ पर काम करती रही। वहीं पर उसकी मुलाकात एक और विक्टिम से हुई जिसने उसको पटना में मौजूद सुमन देवी के बारे में बताया। इस वजह से जो है वो यहाँ पे पटना आ गई। वो पिछले 1 महीने से ये लड़की जो है पटना में रह रही थी और यहाँ पर अंकित जो है उसके क्लाइंटेल फिक्स करता था। कई बार उसको ओयो रूम्स में ले जाया जाता था, कई बार जो है उसी फ्लैट में उसके साथ गलत काम होता था। तो ओयो रूम्स की भी जो है हम सत्यापन कर रहे थे कौन कौन से ओयो रूम्स कहाँ कहाँ पर। मुख्यतः तो उसने बताया बोरिंग रोड और पाटलिपुत्रा, इन दोनों जगहों पर मोस्टली उसको फ्लैट्स में ले जाया जाता था। अब जो है इसकी पुष्टि की कौन उसका क्लाइंटल था और नहीं था ये जो है अंकित के फ़ोन से हमें पता लगेगा, जो हमने कोर्ट के आदेश के बाद हम उसको जो है FSL जांच करवा करके उसमें से चीज़ें निकालेंगे। दूसरी बात जो है वहाँ पर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर सारे लड़कों के पॉकेट से कॉन्डम्स मिले जैसा आप देख सकते हैं, और वाइग्रा मिला और आईपिल मिले, ये सारी चीज़ें मिली। तो काफ़ी पुख्ता एविडेंस था कि इनके साथ गलत होता था और इन लड़कियों ने भी एडमिट किया। तो ये सुमन देवी और जो ये दूसरी हैं सिफानी देवी, ये जो हैं वल्नरेबल लड़कियों को टारगेट करती थी। एज सच नहीं है कि एक ब्रॉथल चलता था, इट वॉज अ ब्रॉथल इन अ वे, बट ऐसा नहीं कि उस जगह पर सारी लड़कियाँ रहती थी। तो ये वल्नरेबल लेडीज़ रहती थी जो बहुत बहुत ही, जिनके पास पैसे का सोर्स नहीं होता था या जिनके पास इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, उनको क्विक मनी के लिए जो है ये लड़कियाँ सुमन देवी और ये जो है उनको प्रलोभन देते थे। तो इसके ज़रिए जो है इनके साथ गलत काम करवाया जाता था। जो मेन विक्टिम जो उस अपार्टमेंट में रह रही थी उसको जो है हर रात, उसको वो कम से कम 1 महीने यहाँ रही है तो वहाँ पर कम से कम उसके 25 रातों में उसके साथ गलत हुआ और कई बार सेम रात को उसके साथ 2 लोगों ने गलत काम किया। इसकी वजह से क्या होता था, एटलीस्ट उसकी ख़राब हो चुकी है इन सब की वजह से। और पैसे मिलते थे उनको तो 3,000 रुपये इसको मिलते थे जबकि अंकित को कई ज़्यादा पैसे मिलते थे, और उसमें से 3,000 रुपये जो है ये 1,000 इसको सुमन देवी को देना पड़ता था और बाकी 2,000 रुपये इसको मिलते थे। यही कहानी है बिहार शरीफ से इसकी स्टोरी शुरू हुई, वहाँ से वो यहाँ आई, यहाँ पर उनके साथ गलत काम होता था। कौन सा गेस्ट हाउस? गेस्ट हाउस ये जो है, ये सारे जो है हमें उनके यहाँ अंकित के पास से मिले हैं, अंकित का सामान था ये। तो उसमें से जो है इनका सत्यापन करना बहुत ज़रूरी है, कौन से गेस्ट हाउस में लेकर जाया जाता था, किस तरीके से। तो वो सारा सत्यापन अभी करने के बाद अनुसंधान के क्रम में बाकी के बातें आ जाएगी। नहीं नहीं, गेस्ट हाउस के नाम पर ऐसे उसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकर जाते थे गलत काम करवाते थे। अब कौन से गेस्ट हाउस में कहाँ कैसे वो उनके CCTV वगैरह अवलोकन से जो है प्रॉपर आगा। सुमन देवी जो है, अब सुमन देवी भी जो है वो पहले जो है किसी के कांटेक्ट में आई और उन्होंने जो है उसको ये फ्लैट दिला करके दिया था, बट थोड़े दिनों बाद जो
उनको पैसे दे रहे थे, पहले उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए, तो उन्होंने खुद से काम यहाँ पे करवाना शुरू कर दिया था। ITP Act का केस हुआ। अब वहाँ पर जो है इनमें से दो लोग जो है नशे की हालत में भी थे, तो दो FIRs हुए हैं। एक जो नशे की हालत में दो लोग थे वो, और इनका अलग से ITP Act 370 IPC और 376 IPC है, जो कि विक्टिम्स थी, और बाकी के जो लोग थे उसमें से तीन लड़के जो कि अक्यूज्ड है, और बाकी दो जो एज पिम्स एक्ट करते थे। अंकित का रिकॉर्ड क्या है? अंकित के रिकॉर्ड पर हमने खंगाला। अंकित का जो है उसका आपराधिक इतिहास हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से जो सेकेंड लड़का था धनंजय गिरी जो है वो अपनी वाइफ से ही देह का व्यापार कराता था, उसी के पैसे से जो है ये अपना घर चलाता था, अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता था। तो उसमें से जो धनंजय गिरी है वो भी एक तरह से काम करता था एज अ पिम्प। ऑनलाइन व्हाट्सएप का भी खिलाफ उसमें हो रहा था क्या? ऑनलाइन व्हाट्सएप से जैसे अब जैसे कि इसमें इसने जो है कई इसके जो व्हाट्सएप चैट्स में जो है वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह मिली है कि लड़की को रेडी रखना, या 7:30 बजे क्लाइंट आएगा, या 8 बजे हम लेकर के जाएंगे, इस तरह के जो है मैसेजेस व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेजेस मिले हैं। शिफानी ने रूम नहीं लिया था, वो वहाँ पर आती थी, वो मुख्यतः अरवल से काम करती थी। और जो है इस रूम जो है वो सुमन देवी का रहा है इसमें। वो जो बिहार शरीफ का जो स्टार्टिंग से जो हुआ था वो क्या था? वो जो महिला जो थी जिनके कंसल्ट में आई थी, बबीता जो महिला आई थी जो ये काम करवाती थी उनसे। अब एक रात में इतना ही होगा। कितना दिनों से काम करवा रही थी इस धंधा में? कितना दिन से सुमन देवी? अब जैसे कि सुमन देवी काफ़ी टाइम से करवा रही थी। अब एग्जैक्टली टू पुट अ नंबर ऑन इट ये अनुसंधान के क्रम में ही पुष्टि हो पाएगी उसकी। बट ये लड़की जो है फ्लैट तो काफ़ी टाइम से वहाँ पर ले रखी है, 2 साल से ज़्यादा से वो फ्लैट ले करके रखी है। बट ये जो इस लड़की के साथ जो गलत काम है वो पिछले 1 महीने से हो रहा था। 2 साल से सेक्स रैकेट नहीं चल रहा था, 2 साल से ये जो है सेक्स रैकेट जो शुरू हुआ था ये 1 महीने पहले से हुआ था जो इस लड़की के साथ करा रही थी। होटल बुक होता था, ओयो की भी लिखता आ पाएगी होटल वाली। जैसे कि अब जैसे मैं इनका कराऊँ तो इनके पास फेक आधार कार्ड होते हैं, तो अगर ये रूम बुक भी करा रहे हैं तो उसकी पुष्टि करना इज़ वेरी डिफिकल्ट कि उनकी संलिप्तता थी कि नहीं थी। लेकिन इसमें छानबीन करनी बहुत ज़रूरी है और वो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में पता लगेगा।